गंगुआ जी महाराज का जन्म जालौर शहर में मीणा जाति के परिवार सूटरा गोत्र में हुआ था। इसके बाद 1270 विक्रम संवत में जालौर शहर छोड़कर मुछड़ी गांव को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। यहां पर रहते हुए ही अपने तन मन से भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगा। वे यहां रहकर उराजी और देवाजी गुजर की गायें चराते थे। गंगुआ जी महाराज गायों को गौतम नामक पहाड़ी पर चराते तथा वहीं पर शिव भक्ति में लीन हो जाते तथा गाय भी दूसरे पशु और जानवरों के साथ दिन भर चरती रहती थी। गौतम पहाड़ पर भक्ति करने के कारण उन्हें गौतम बाबा कहा जाने लगा। गंगुआ जी महाराज की गायों के साथ एक दूसरी गाय हमेशा चरने आती थी। एक दिन उसने एक बछड़े को जन्म दिया। तब उनकी रक्षार्थ महाराज उनके पीछे पीछे वह गाय एक गुफा के दरवाजे पर जाकर रुक गई। महाराज ने गुफा में जाकर देखा तो वहां साधु व साध्वी तपस्या कर रहे थे। महाराज के कहने पर साधु ने अपनी गाय की देखभाल करने के लिए उनको खुश होकर एक प्याली भर जौ के दाने प्रेम स्वरूप भेंट किए। वो साध्वी ने जो दाने दिए थे उनमें से कुछ उनके कपड़ों पर ही चिपके रह गए। जब घर पर पहुंचे तो गुजर ने उनके कपड़ों पर चमकते हुए हीरो को देखा, फिर उनसे इसके बारे में जानकारी ली। तब यह किसने दिए यह बात गंगुआ जी ने गुजर को बताई तो गुजर ने उनको फिर से वहीं भेज दिया जहां पर साधु साध्वी को देखा। गंगुआ जी फिर से उसी जगह पर गए और वहां अपने साधु व साध्वी को देखा था तो उनको लगा कि यह कोई साधारण नहीं है। फिर वह गंगुआ जी को वापस आने का कारण पूछते हैं तो वह कुछ नहीं बताते। वह उनके चरणों में गिरकर अपने भगवान को पाने का सुख प्राप्त करते हैं। फिर गंगुआ जी कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। तब भगवान शिव व पार्वती उनको वरदान देते हैं कि जग में तेरा नाम अमर रहेगा। वरदान देते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं। Oh, yeah.